दोस्तों रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 के नियमों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। जहां दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी एनटीपीसी भर्ती के नियम बदल दिए हैं। आज और अभी की यह सबसे बड़ी खबर है। जनरल अभ्यर्थी बड़े खुश है और ओबीसी एससी एंड एसटी कैडेट के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी बुरी खबर आई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते पूरी जानकारी। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी देखने से पहले अगर आप आरआरबी जेई के टू यानी सीबीटी टू एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी की बुक भी अवेलेबल हो चुके हैं, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से बुक को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आई है, रेलवे ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन मंगाए थे। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आई है, आरक्षित कोटे का छात्रों का रिजल्ट अनारक्षित में नहीं होगा जारी। जी हां दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए फैसले से छात्रों में उथल पुथल की स्थिति और 12 रेलवे भर्ती बोर्ड नए तरीके से करेंगे अभ्यर्थियों की बहाली। दोस्तों रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार आरक्षित वर्ग के छात्रों का रिजल्ट उन्हीं के कोटे में निकाला जाएगा। नए आदेश के अनुसार अब रेलवे की परीक्षा में ओबीसी एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के वैसे परीक्षार्थी जो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर अधिक अंक लाते हैं तो दूसरे स्टेज की परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, तो इनका रिजल्ट उसी कैटेगरी में होगा। परीक्षार्थी अधिक अंक लाने के बावजूद भी यूआर यानी अनारक्षित श्रेणी में चयनित नहीं किए जाएंगे। दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड के नए फैसले से छात्रों में आक्रोश है। रेलवे भर्ती बोर्ड के नए बदलाव से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों में आक्रोश है। इनका कहना यह है कि नए नियम से 10% अलग से अनारक्षित श्रेणी के परीक्षार्थियों की सीटें तय की गई है और इस बार रेलवे की ओर से 35,000 से भी ज्यादा पदों पर एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई है। जी हां दोस्तों, और अगस्त 2019 से शुरू होगी एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा। दोस्तों मेधावी छात्रों को होगी काफी परेशानी। जी हां दोस्तों, इन अभ्यर्थियों का कहना है कि निकाली गई वैकेंसी के अनुसार सबसे अधिक पदों की संख्या अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर में होती है और अन्य श्रेणियों में पदों की संख्या काफी कम होती है और इसका हर्जाना हर ग्रुप के छात्रों को उठाना पड़ेगा। दोस्तों नियम से ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिजल्ट अनारक्षित में नहीं जारी होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के फैसले से आप खुश हैं या नहीं, आप अपने राय विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी फ्रेंड के साथ, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब